गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में पार्टनरशिप अकाउंट का एक चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसका जो क्वेश्चन आईएससी 2016 में आया था उसको डिस्कस करके समझाने का कोशिश करूंगा। यहां देखिए दिव्या एंड पूजा पार्टनर है जिनका रेशियो है 3:2। 31 मार्च 2015 का बैलेंस शीट दिया हुआ है। 31 मार्च 2015 इधर गुडविल है, बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट, डेटा रिसीवेबल, कैश और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये दो लॉस के रूप में है गुडविल और एडवर्टीजमेंट, कैपिटल में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। इधर देखिए क्रेडिटर लायबिलिटी है, जनरल रिजर्व और पीएल अकाउंट, ये प्रॉफिट के रूप में है, कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशियो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को इन्वेस्टमेंट से एडजस्ट कराने के बाद जो बैलेंस बच जाएगा वो पास्ट प्रॉफिट की तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये रहा कैपिटल का बैलेंस। पार्टनर लोग डिसाइड किया है कि 1 अप्रैल से इनका रेशियो इक्वली हो जाए, इसीलिए तो इसको बोला जाता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 1 अप्रैल से रेशियो इक्वली कर लेना है। ठीक है, चलते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। लिख रहा है फॉर द पर्पस इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 60,000 हो गया, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 66 था, 60 हो गया, तो 6,000 रिड्यूस करेंगे, जबकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन 12,600 है, तो 6,000 एडजस्ट करने के बाद 6,600 बच जाएगा जो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। गुडविल 24,000 हो गया, गुडविल का नेट एंट्री कर देंगे। ठीक है, और जनरल रिजर्व को नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, जनरल रिजर्व को डिस्टर्ब नहीं करना है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, तो गुडविल की तरह जनरल रिजर्व का भी एंट्री किया जाएगा। ठीक है, यहां जर्नल एंट्री करना है और बैलेंस शीट बना के दिखाना है। चलिए देखते हैं कैसे सोल्व होगा। ओके, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। सबसे पहले बैलेंस शीट के अंदर गुडविल था, गुडविल को राइट ऑफ कर देते हैं, दैट इज दिव्या कैपिटल डेबिट, पूजा कैपिटल डेबिट, दिव्या कैपिटल अकाउंट डेबिट, पूजा कैपिटल अकाउंट डेबिट, पूजा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। जो बैलेंस शीट के अंदर गुडविल है वो तो पास्ट लॉसेस है, वो है 16,000, इसको ओल्ड रेशियो 3:2 में बांट देंगे, 9,600, 6,400 बीइंग गुडविल रिटेन ऑफ। ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर गुडविल पास लॉस के रूप में था, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, उसी तरह एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी है। दिव्याज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पूजा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के नाम से था 10,700। ठीक है, 10,700 को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, बीइंग एडवर्टीजमेंट सस्पेंस रिटेन ऑफ। तो हम लोग बैलेंस शीट के अंदर अवेलेबल दो लॉस था, गुडविल एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, तो उसको हम लोग ओल्ड रेशियो में बांट दिए। एक प्रॉफिट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस का रुपया है 4,000 टू दिव्या कैपिटल अकाउंट पूजा कैपिटल अकाउंट 2,400 और 1,600 बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। पास्ट प्रॉफिट के रूप में वो था, उसको बांट दिए। अच्छा, एक जनरल रिजर्व है, लेकिन बोला है कि जनरल रिजर्व को डिस्टर्ब नहीं करना है,
तो हमको उसके लिए वर्किंग करना होगा। यहां देखिए वर्किंग से हो जाएगा, ओल्ड रेशियो 3:2 है, न्यू रेशियो 1:1 है। दिव्या का देखते हैं, दिव्या का ओल्ड रेशियो 3:5, 1:2, 10, 6-5, 1:10, ये सेक्रीफाइस निकला, ठीक। और पूजा 2:5, -1:2, 10, 4-5, ये गेन निकला, क्योंकि ये माइनस है। तो जनरल रिजर्व में, जनरल रिजर्व था 23,400, अब पूजा गेन्स 23, 1:10, 2,340, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग पूजा को क्रेडिट करेंगे। अब ऐसा ही काम करते हैं, थोड़ा सा गुडविल का देख लेते हैं। गुडविल 24,000 है, अब पूजा गेन्स 24,000 का 1:10, 2,400, ठीक है। यहां गुडविल का भी काम हो जाएगा, आज जनरल रिजर्व का भी काम हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं कैपिटल अकाउंट की तरफ। तो जनरल रिजर्व का एंट्री करते हैं, पूजा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दिव्या कैपिटल अकाउंट 2,340 बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पार्ट फॉर जनरल रिजर्व। अच्छा, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट का दाम को कम करना है, 6,066 से 60 करना है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट उसमें है 12,600 टू इन्वेस्टमेंट का दाम कम होगा 6,000। अब बाद बाकी इसको दिव्या एंड पूजा में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि बाद बाकी प्रॉफिट मान लिया जाएगा। तो प्रॉफिट को दिव्या एंड दिव्या कैपिटल एंड पूजा कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहां 6,000 गया, तो 6,600 बच गया। 6,600 को बांटना है, 6,600 का डिस्ट्रीब्यूशन 3,960 और उसका होगा 2,640 बीइंग इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूड एंड रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये हो गया, इन्वेस्टमेंट का काम कर दिए। अब गुडविल का नेट एंट्री था, तो 2,400 रुपया दिव्या को हम लोग को क्रेडिट करना है, पूजा को गेन होगा, ठीक है। तो उसका एंट्री लिखते हैं, एंट्री होगा पूजा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दिव्या कैपिटल अकाउंट बीइंग नेट एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट फॉर गुडविल।
तो देखिए दो लॉस था, दो लॉस बांट दिए, एक प्रॉफिट था बांट दिए, जनरल रिजर्व का नेट एंट्री कर दिए, इन्वेस्टमेंट का काम कर दिए, ठीक है, और गुडविल का भी हो गया, तो मोटा मोटी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जर्नल एंट्री कंप्लीट होने के बाद वो बोला है रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाइए। अगर हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम लोग को कैपिटल अकाउंट तो बनाना पड़ेगा, जिससे कि पार्टनर्स का बैलेंस जान सके कि कैपिटल का कितना बैलेंस बचा, उसके बाद हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। ये रहा वर्किंग में कैपिटल अकाउंट। दिव्या पूजा, इनका बैलेंस था 60,000 और 40,000। अच्छा, गुडविल राइट ऑफ किए थे, टू गुडविल इसका 9,600, 6,400, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 6,420, 4,280। अच्छा, यहां बाई पीएल प्रॉफिट दिए थे, बाई पीएल 2,400, 1,600। अच्छा, बाई पूजा दिव्या में गया था 2,340, और फिर एक एंट्री था बाई पूजा दिव्या में गया था 2,400। इधर लाएंगे टू दिव्या, और दोनों पूजा में आएगा 2,340 और 2,400। एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन वाला था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व उसका था 3,960 और 2,640। अब बस बैलेंस करके बैलेंस शीट में ले लेना है, टू बैलेंस सीडी, ठीक है। इसका टोटल आया 71,100, माइनस किए 9,600, 6,420, तो इसका बैलेंस आया 55,080। इसका टोटल आया 44,240, माइनस किए 6,400, माइनस किए 4,280, 2,340, 2,400, इसका आया 28,820, ठीक है। अब हम लोग बैलेंस शीट बना सकते हैं। बैलेंस शीट में सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल को लाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल में दिव्या का 55,080, दिव्या का 55,080, पूजा का 28,820, तो 28,820, 55,080, रिजल्ट हो गया 83,900। कैपिटल अकाउंट से बैलेंस मिल गया। अच्छा, जनरल रिजर्व हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि उसको डिस्ट्रीब्यूट नेट एंट्री के थ्रू किए थे 23,400। पीएल अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्रेडिटर सन्ड्री क्रेडिटर 9,800, टोटल हो जाएगा 117,100। देखते हैं मिलता है कि नहीं, 117,100। एसेट से गुडविल गायब, लैंड एंड बिल्डिंग, कोई रिवेल्युएशन तो हुआ नहीं था, तो लैंड एंड बिल्डिंग जो था वही लिख लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग 20,000 था। इसके बाद इन्वेस्टमेंट का दाम कम हो गया, 6,000 इन्वेस्टमेंट का दाम कम कर दिए, तो इन्वेस्टमेंट 60,000 हो गया। सन्ड्री डेटर कुछ नहीं किए हैं, सन्ड्री डेटर 18,600,
18,600। इसके अलावा बिल्स रिसीवेबल 7,400, इसमें भी कुछ नहीं किए हैं 7,400। इसके अलावा कैश में और कुछ नहीं किए हैं 11,100। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, बस आ गया टोटल 1,717,100। ये टोटल मैच कर गया, इसका मतलब सही बना है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन रिटायरमेंट डेट किसी भी तरह बनाइए, ठीक है। खास ध्यान रखना होगा इसमें गेन और सेक्रीफाइस, गेन वाला डेबिट, सेक्रीफाइसिंग वाला क्रेडिट, नेट एंट्री से बहुत सारा वर्क हो जाता है, ठीक है। समझ में आया? ओके, थैंक यू, बाय।